व्यूअर्स, कुक विद रीना चैनल में आप सबका स्वागत। आज रीना मुखर्जी इस चैनल में आपके लिए एक फिर से नई रेसिपी लेके आई है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और जान लें कि शानदार रेसिपी आप कैसे बना सकते। तो व्यूअर्स, ये देखिए मेरे पास कुछ चिकन पड़े हुए हैं। ये करीब 300 ग्राम के होंगे, कुछ ज़्यादा पीसेस नहीं थे, तो इसी से मैंने एक वन पॉट मील बनाने का सोचा और सोचा इसी के साथ राइस मिला के मैं एक बिरयानी टाइप या पुलाव टाइप, कुछ भी कहिए, वैसा कुछ बनाती हूँ। और तो इसीलिए इसी की रेसिपी मैं आपसे क्विक फिक्स वाली, बिरयानी कहो या चिकन पुलाव कहो या चिकन राइस कहो, उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। लॉकडाउन में कम से कम इंग्रेडिएंट से बेस्ट खाना बनाने का ही ये मकसद है। तो इस चिकन को सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे। मेरे पास गार्लिक नहीं था घर में, गार्लिक पाउडर था, तो मैंने गार्लिक पाउडर यूज़ किया है। आप चाहें तो गार्लिक भी इसको ग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने गार्लिक डाला 1 टेबलस्पून और जिंजर डाला 1 टीस्पून और फिर इसमें धनिया पाउडर डाला मैंने 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर डाली मैंने, कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाली मैंने 1 टीस्पून और इसमें इस खास जो मसाला मैंने डाला, पुलाव मसाला, वो मैंने घर में बनाया हुआ है। आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, एक मेरा मैजिक मसाला या सब्जी का मसाला मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको आप चाहे सब्जी में डालें या ऐसे पुलाव बिरयानी में भी यूज़ करते हैं, उसी को मैंने 1 टीस्पून इसमें मिला के, और इसमें फिर डाला मैंने दही 3 टेबलस्पून के करीब मैंने दही डाला, नमक डाला, डाल के इसको आपने अच्छी तरह से, आप यूज़ योर फिंगर्स, इसको बड़ी अच्छी तरह से आपने मिला के इसको मैरिनेट करना है। और मैरिनेट आपको बहुत देर अधिकतर करने की ज़रूरत नहीं है, आप आधा घंटा भी रख लें तो बहुत है। साथ में मैंने चावल भी भिगो के रख दिए हैं। एक मैंने ये जैसे 300 ग्राम चिकन है तो मैंने उसके साथ 1 ग्लास चावल ले लिया है, उसको मैंने भिगो के रख दिया है। फिर आधे घंटे बाद हम दोनों को मिला के अपनी कुकिंग शुरू करेंगे। पैन गरम करिए, उसमें या तो देसी घी या ऑयल, जो भी आपका मन चाहे, 2 चम्मच डाल के, जो खड़े मसाले अब हम डालेंगे। तेज पत्ता लिया मैंने 2, फिर 2 मैंने ग्रीन कार्डमम ले लिए, जिसकी खुशबू बहुत ही ज़रूरी है पुलाव बिरयानी में। इसको आप अच्छी तरह से ब्राउन होने तक फ्राई करें इस ग्रीन कार्डमम को। इसके बाद हम डालेंगे दालचीनी, लौंग और काली मिर्च साबुत डाल के उसको भी आप अच्छी तरह से खुशबू आने तक फ्राई करिए। और ये मैंने कुछ डाले हैं शाह जीरा, नॉर्मल जीरे की जगह शाह जीरा की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अब आप डालिए इसमें लहसुन, लहसुन मैंने 5-6 कलियाँ ले ली थी, और एक बड़ा प्याज लेके आपने इन दोनों को अच्छी तरह से फ्राई करना है, काला नहीं करना, लाइट फ्राई करके जो मैरिनेटेड चिकन है उसको अब आप इसमें मिला दीजिए और खूब अच्छी तरह से इसको फ्राई करिए। चिकन को हम अलग से कुक नहीं करेंगे, चावलों के साथ ये कुक होगा। ये हमारा शॉर्टकट बिरयानी है, इसलिए हम चिकन और चावल एक साथ पकाएंगे। इसमें आप डालिए अब जिंजर पेस्ट और थोड़ा सा ढक दीजिए ताकि इस मसाला जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, चिकन के अंदर तक चला जाए। अब इसमें हम डालेंगे नट्स, आप अपनी मर्जी अनुसार कोई भी नट्स डाल दीजिए, बादाम हो, काजू हो, किशमिश हो, जो भी पसंद हो आपको, उसको डाल के अब हम डालेंगे चॉप्ड टोमेटोस। चॉप्ड टोमेटोस को डाल के उसको थोड़ा ढक के हम टोमेटोस को विल्ट होने के लिए थोड़ा ढक के पका लेंगे ताकि टोमेटो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, लेकिन पानी नहीं डालेंगे अभी। और इसको जो हमने चावल भिगो के रखे हुए थे उसको आपने स्ट्रेन कर लेना है छन्नी में, और फिर आपने चिकन के ऊपर डाल के चिकन और चावल को अच्छी तरह से फ्राई कर लें। अब देखेंगे कि चावल जो है नीचे चिपकने लगेगा, तब उसमें आप थोड़ा देसी घी या मक्खन, जो भी आपका मन चाहे, आप 1 चम्मच भर के डालिए और अच्छी तरह से फ्राई करिए। और उसके बाद क्योंकि हमने 1 ग्लास चावल लिया था, तो हम 2 ग्लास पानी, डबल पानी डाल के इसको ढक के पकाएंगे।
इसमें अभी तक हमने नमक नहीं डाला था, लेकिन मैरिनेटेड चिकन में हमने नमक डाला हुआ है। उसके हिसाब से, स्वाद के अनुसार आप जैसा भी पसंद करते हैं इसमें नमक डालिए। किसी किसी को इसको थोड़ी मिठास पसंद है तो वो चीनी भी डाल देते हैं, वो आपकी बिल्कुल इच्छा है। अगर आप चीनी डालना चाहें तो डाल लें, वरना सिर्फ नमक डाल के, और इसमें हरी मिर्च और मिर्च आप अपने हिसाब से डाल के ढक के पकाएं 10 मिनट तक। अब ये देखिए 10 मिनट बाद ये सॉफ्ट हो गए हैं चावल, और इसको आप चाहें तो थोड़ा गीला भी रख सकते हैं, या इसको इस स्टेज पे बिल्कुल फ्राई भी कर सकते हैं। थोड़ा गीला रखें, ऊपर से अगर धनिया छिड़क दें तो ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल ड्राई हो जाता है और चावल बिल्कुल एकदम खड़े रहते हैं, लेकिन सॉफ्ट रहते हैं, कुक्ड रहते हैं। तो देखा आपने कितनी जल्दी बन गया मेरा ये बिरयानी पुलाव या चिकन पुलाव वन पॉट मील। आप इस रेसिपी को फॉलो करें, और झटपट अगर आपने कुछ एग्जॉटिक खाना बनाना है तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, और आपके एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें, और मेरा चैनल कुक विद रीना ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज तक इतना ही, फिर एक रेसिपी लेके आपसे हाजिर होंगी। धन्यवाद।